हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है। आज मैं आपको यूएई विजिट वीज़ा से रिलेटेड बताऊंगा। उसमें टोटल मिला के 6 चेंजेस आए हैं, तो वन बाय वन करके आपको बताऊंगा उसमें टोटल क्या चेंजेस आए हैं। विजिट वीज़ा जो है अभी अक्टूबर से बहुत सारे चेंजेस उसमें आ गए हैं, तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला चेंजेस आया है कि जो विजिट वीज़ा है वो आपका यूएई में रहते हुए स्टेटस चेंज नहीं होएगा। उसके लिए आपको एटलीस्ट किसी भी नियर बाई कंट्री में जाना पड़ेगा, या अपने कंट्री में इंडिया पाकिस्तान जा करके आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। पहले क्या सिस्टम था, जब अभी कोविड का आया था तो उस समय इंसानियत के लिए जो है यहाँ पे विजिट वीज़ा इनसाइड कंट्री चेंज कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम निकाला था। 500 दिरहम एक्स्ट्रा लगता था और इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज हो जाता था। लेकिन अभी वो ऐसा सिस्टम बंद कर दिया गया है, अभी पूर्ण रूप से उन्होंने बंद कर दिया है। आपको जो है कंट्री के बाहर जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। और विजिट वीज़ा जो अभी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज और 60 डेज के लिए आ रहा है। 90 डेज का जो विजिट वीज़ा है वो सिर्फ स्पेशल लोगों को मिल रहा है, जो हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ स्पेशल कैटेगरी में जो है उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। फीस भी जो है कुछ इंक्रीज हो गया है। विजिट वीज़ा जो पहले 270 का आता था वन मंथ के लिए, अभी 370 में आने लगा। और इमरेट्स आईडी पे भी 100 दरम उन्होंने इंक्रीज किया है। जो इमरेट्स आईडी आपका 270 में बनता था अभी 370 कर दिया है। तो ये परसों ही जो है नोटिस आया है उनका स्पेशल कि 100 दरम जो है इंक्रीज किया गया है। तो कुछ वीज़ा जो है वो जो पहले चार्जेस थे उसमें और अभी के चार्जेस में थोड़ा इंक्रीज हो गया है। तो चाहे आपका रेजिडेंस वीज़ा हो गया चाहे विजिट वीज़ा हो गया, थोड़ा प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आया है वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा बेसिकली जो टूरिस्ट होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, वो यहाँ पे आकर के 90 डेज जो है विजिट वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जिसमें आप दुबई में 90 डेज रह सकते हैं उस वीज़ा से। या सपोज दैट मान लीजिए कि आप किसी भी कंट्री दुबई होते हुए जा रहे हैं तो 2-3 दिन अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें 90 डेज में से सिर्फ वो 2 या 3 दिन आपका डिडक्ट होगा, बाकी का रिमेनिंग आपका बचा रहेगा। और आप मल्टीपल टाइम्स मतलब 5 ईयर के अंदर अंदर मल्टीपल टाइम्स ऑफ यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हैं। और अगर आपका दुबई में रहते हुए वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आप उसको डेट को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए कंट्री से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कंट्री के अंदर रहते हुए आप जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है एक्सटेंड कर पाएंगे और 90 डेज आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो ओवर स्टे का फाइन है वो भी जो है चेंज हो गया। पहले जो रेसिडेंस वीज़ा पे थे उनका 25 दरम लगता था, लेकिन अब उनको 50 दरम पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। विजिट वीज़ा जो होल्डर थे वो पहले 100 दरम पर डे के हिसाब से पे करते थे, उनका अभी रिड्यूस हो गया है, 50 दरम पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ओवर स्टे फाइन में भी जो है कुछ चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताऊं तो जो पहले 30 डेज का वीज़ा बन रहा था 60 डेज का कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, वो राइट नाउ जो है अभी आपका रिज्यूम हो गया है 30 डेज का। और 60 डेज का विजिट वीज़ा जो है अभी आपका शारजा से बना सकते हैं, दुबई के थ्रू बना सकते हैं, जहाँ से आपका मन है वहाँ से बना सकते हैं। डेरा में कुछ एजेंसी है जो कि मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के पता कर सकते हैं। अभी 60 डेज का विजिट वीज़ा जो है फिर से बनना शुरू हो गया। तो अगर आप दुबई आ रहे हैं या दुबई में रहते हुए विजिट वीज़ा चेंज करा रहे हैं तो 30 डेज और 60 डेज दो ऑप्शन हैं आपके पास। लास्ट मैं आपको अपडेट बता दूं कि जो 90 डेज का विजिट वीज़ा था वो अभी जो है चेंज हो गया है, अभी 60 डेज और 30 डेज का विजिट वीज़ा मिल रहा है। 90 डेज का विजिट वीज़ा भी आप इशू कर सकते हैं इंडिया से, लेकिन उसके लिए आपको जो है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ेगा या मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा, मतलब जो उनका कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जा कर के आपको मेडिकल टूरिज्म वीज़ा करके जो है मिलेगा, जिसका वैलिडिटी 90 डेज का होगा, और तब जा कर के आपको जो है 90 डेज का विजिट वीज़ा आप मिलेगा, और उस वीज़ा से आप यहाँ पर आ सकते हैं, डॉक्टर से दिखलवा सकते हैं। मतलब कहा जाए तो ओवरऑल कि 30 डेज और 60 डेज का ही वीज़ा अभी मिल रहा है, पहले 30 डेज का मिल रहा था अभी 60 डेज का भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो आप अभी जो है 60 डेज के लिए ही आ सकते हैं। तो पहले से प्रिपरेशन आपका काफ़ी तगड़ा होना चाहिए अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं या किसी काम से आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो पहले के अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है। पहले आपको 90 डेज का विजिट वीज़ा मिलता था तो कहीं ना कहीं एक टेंशन कम होता था, लेकिन अगर आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास अब जो है टाइम कम होगा। अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास आ रहे हैं, अगर उनके पास से आपको कुछ रेफरेंस मिलता है तो आपके लिए वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा और आपको जल्द से जल्द जॉब मिलेगा। क्योंकि अगर कहीं पर भी आप जॉब लेते हैं तो वहाँ पर कुछ दिन आपको काम करके दिखाना पड़ता है, तब उनके अंदर जो है ट्रस्ट आता है आपको वीज़ा देने के लिए। तो आपको शुरू में जो है यहाँ पे पहले क्या था कि 90 डेज का मिलता था तो कहीं ना कहीं वो ठीक था, लेकिन अभी आपको जो है ना पहले से प्रिपरेशन करके आना है। और अगर आपका कोई जान पहचान का यहाँ पे रहता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो है वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज़ भी देख पाएंगे।